एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिट्स कुकिंग। आज मैं थानू कड़ा प्रसाद बनाना बता रही हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कड़ा प्रसाद बनाना बता रही हूं, जो कड़ा प्रसाद गुरुद्वारे में मिलता है, घर पे भी बहुत इजीली बन जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। इसके लिए हम लेंगे एक कटोरी आटा, एक कटोरी चीनी, शक्कर और 3/4 कप ये घी है, मतलब ये मेल्टेड हो जाएगा तो 1 कप हो जाएगा, 1 कटोरी, और 2.25 कप हमने पानी लिया है। आप जो भी लें एक ही मेजरमेंट रखें, जिस भी चीज़ का नाप लेना है एक ही उससे सब आप नापें। इसमें अब हम पहले इसका मीठा पानी बनाएंगे, यानी कि शक्कर का पानी। तो उसके लिए हमने पहले शक्कर डाल दी है और इसमें हमने पानी डाल दिया है। इसकी हमको चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ हमको शक्कर को मेल्ट करना है। इसको शक्कर को हमको, मतलब इसे घुल जाए पूरी शक्कर, बस इतना ही हमको इसको पकाना है। इसको हमको बहुत ज़्यादा उबालना नहीं है, या एक या दो तार कोई भी हमको इसकी चाशनी नहीं बनानी है। ये देखिए शक्कर घुल चुकी है और ये हमारा शक्कर का पानी बन गया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में अब हम डालेंगे घी। घी हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे आटा और इसको अब हम हिलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़ जाए। हमको इसको लगातार चलाते रहना है। इसका हमको गैस का फ्लेम एकदम लो फ्लेम पे हमको पकाना है। अगर आप तेज गैस रख देंगे तो ये पूरा आटा जल्दी से काला हो जाएगा, जल जाएगा और आपका प्रसाद वैसा नहीं बनेगा कि जैसा हमको चाहिए। तो हमको इसको लो फ्लेम पे पकाना है। देखिए ये कलर थोड़ा चेंज हो गया है, लेकिन इसको अभी हमको और भूनना है। कड़ा प्रसाद और हलवे में बहुत फ़र्क, मतलब थोड़ा फ़र्क ये होता है कि कड़ा प्रसाद में हमको कोई भी ड्राई फ्रूट या कोई भी इलायची पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं होती है। कड़ा प्रसाद की जब आप आटे में, घी में आटा भूनते हैं तो उसकी अलग ही खुशबू आती है और वो कड़ा प्रसाद बन जाता है। अगर आप इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह मिला दें तो इसको हलवे का रूप दे सकते हैं। और हलवा बनाना हो तो आप इसकी घी कम कर सकते हैं, लेकिन हमको कड़ा प्रसाद बनाना है तो हमको 1 कप आटा, 1 कप घी, 1 कप शक्कर, ऐसा हमको मेजरमेंट रखना पड़ता है। ये देखिए कलर चेंज होने लग गया है। प्रसाद जब भी आप बनाएं, कड़ा प्रसाद जब भी बनाएं, तो भगवान का नाम लेते हुए, सिमरन करते हुए बनाएंगे तो वो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आपको खाने में भी अच्छा लगेगा और आपको बनाने में भी अच्छा लगेगा। इसलिए हमेशा पाठ करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए ही प्रसाद बनाएं। कोई भी टाइप का प्रसाद बना रहे हो, हमेशा नाम सिमरन के साथ ही प्रसाद को बनाना चाहिए। ये देखिए इसका कलर चेंज होने लग गया है। इसको हमको थोड़ा सा और भूनना है। इसको हमको लगातार चलाते रहना है ताकि ये सब जगह से एक जैसा भुन जाए। ऐसा ना हो कि थोड़ा सा काला हो जाए, थोड़ा सा ऐसे, तो फिर वो प्रसाद हमको अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए हमको इसको ऊपर नीचे सब जगह से अच्छे से चलाते रहना है ताकि इसमें लम्स भी ना पड़े और प्रसाद भी अच्छे से बन के तैयार हो जाए। ये देखिए अब ये आटा हमारा हो चुका है। अब इसमें हम शक्कर का पानी डालेंगे, जो हमने शक्कर को पिघलाया था, मेल्ट किया था, अब इसमें हम डाल देंगे। साथ साथ में हमको हिलाते रहना है ताकि इसमें लम्स ना पड़े। और ये पानी जो शक्कर वाला होता है, आटा एकदम से एब्जॉर्ब कर लेगा और अभी ये हमारा प्रसाद ड्राई हो जाएगा। इसको हमको लगातार चलाते रहना है ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना पड़े। ये देखिए आटा इकट्ठा होना चालू हो गया है। इसकी निशानी होती है चारों तरफ से किनारा छोड़ देगा और आपका प्रसाद एकदम परफेक्ट बन जाएगा। देखिए हमने इतना घी डाला, लेकिन इसमें बिल्कुल भी आपको लग नहीं रहा होगा कि घी ज़्यादा है। ये एकदम परफेक्ट, आप अच्छे से भूनेंगे तो एकदम अच्छे से बनेगा आपका प्रसाद। बिल्कुल बहुत अच्छा सा प्रसाद बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए हो चुका है, ये हमारा प्रसाद बनकर
तैयार हो चुका है, ये एकदम अच्छा सा प्रसाद। ये देखिए बन चुका है, अब इसको हम एक बॉल में निकाल देंगे। ये देखिए कितने अच्छे से बन गया है हमारा प्रसाद, बनकर तैयार हो गया है, एकदम परफेक्ट कलर परफेक्ट नाप का प्रसाद बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको इसी तरह नई नई रेसिपी सीखती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।